हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 9। ये चैप्टर का नाम है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार को तो सभी लोग जानते होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं हम। तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ग्रेट एपिक रामायण से। रामायण तो सबने देखी होगी, तो उसी में से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। श्रवण कुमार कौन थे? अ वेरी डिवोटेड एंड ओबीडियंट सन यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स फॉर पिलग्रिमेज। वंस हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वाटर। श्रवण वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू फेच वाटर। मीनवाइल प्रिंस दशरथ, हु वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, इन इग्नोरेंस कमिटेड अ ब्लंडर एंड शॉट श्रवण कुमार। अब ये स्टोरी किस चीज की है? एक बार श्रवण कुमार कौन थे? वो बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत डिवोटेड थे। मतलब हर बात मानते थे उनकी, हर काम करते थे उनका। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत बूढ़े थे और ब्लाइंड थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। तो वो एक बार अपने पेरेंट्स को कहाँ ले जा रहे थे? सारी होली प्लेसेस, मतलब रिलीजियस प्लेसेस जितनी भी हैं वहां पर घुमाने के लिए। तो वो कैसे ले जाते थे अपने पेरेंट्स को? ऊपर में ले जाते थे अपने कंधे पर, दो डलिया लगी थी उनमें अपने पेरेंट्स को बिठाते थे और सब जगह घुमाते थे। तो एक बार उनके पेरेंट्स को क्या हुआ? प्यास लगी। तो उन्होंने, वो कहाँ थे? अयोध्या के पास में थे। तो उन्होंने उससे पानी लाने को कहा। तो हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं कि क्या होता है। दशरथ द सन ऑफ कौशल नरेश अजा एंड क्वीन इंदुमती वॉज वेरी पॉपुलर एंड डियरली लव्ड बाई द पीपल ऑफ अयोध्या। अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। इट वॉज सराउंडेड बाई अ डेंस फॉरेस्ट वेयर प्रिंस दशरथ यूज टू गो फॉर हंटिंग। अब क्या बता रहे हैं कि दशरथ सब लोग जानते हैं, श्री राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था। तो किसके सन थे वो? कौशल नरेश, मतलब जो कौशल के राजा थे अजा, और क्वीन इंदुमती के पुत्र थे वो। और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और अयोध्या के जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अयोध्या कहाँ की कैपिटल थी? कौशल राज्य की। और वो कहाँ थी, सिचुएटेड थी? तो सरयू जो रिवर था उसके बैंक पर, उसके किनारे पर सिचुएटेड थी। It was surrounded by a dense forest where Prince Dasharath used to go for hunting. He was an excellent archer. तो अब क्या था वहाँ? वो जो अयोध्या थी वो पूरी जगह कैसे कवर्ड थी? डेंस फॉरेस्ट, मतलब उसके आसपास बहुत ज्यादा घना जंगल था, जहाँ पे दशरथ जी काय के लिए जाते थे? हंटिंग करने के लिए, शिकार के लिए। और वो बहुत अच्छे आर्चर थे, मतलब वो एरो जो धनुष बाण चलाते हैं उनको आर्चर ही बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छे आर्चर थे। He could bring some down the prey by shooting with his arrow following a sound. मतलब वो क्या करते थे? सिर्फ साउंड को फॉलो करके हंटिंग कर लेते थे। मतलब जानवरों वगैरह को वो सिर्फ साउंड सुन के एरो चलाते थे और वो मर जाता था। Once Shravan Kumar, the obedient son of an old and blind couple, happened to pass through the forest around Ayodhya. Shravan's parents asked him to bring water. अब एक टाइम की बात है, श्रवण कुमार जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनसे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है, वो कहाँ से निकल रहे थे अपने पेरेंट्स को लेके? अयोध्या के पास से निकल रहे थे। तो उनके पेरेंट्स को क्या हुआ? प्यास लगी, तो उन्होंने उसे थोड़ा सा पानी लाने को कहा। श्रवण एट वंस पुट असाइड हिज कावर वेयर एन हिज पेरेंट्स वर सिटिंग एंड वेंट अवे टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवर सरयू। एट द सेम टाइम दशरथ रीच देयर फॉर हंटिंग एंड हर्ड अ गर्गलिंग साउंड लाइक दैट ऑफ एन एनिमल क्वेंचिंग इट्स थर्स्ट। अब क्या हुआ? श्रवण ने जैसे ही उसके पिता, मतलब उसके पेरेंट्स ने बोला पानी लाने को, तो वो उन्होंने अपनी कावर साइड में रखी जिसमें उसके पेरेंट्स बैठे थे, और कहाँ चला गया? पास ही में जो रिवर था सरयू, वहां से पानी लाने के लिए चला गया। और उसी टाइम क्या हुआ? दशरथ जी आए हंटिंग करने के लिए, और उन्होंने कैसी आवाज सुनाई दी? गर्गलिंग। गर्गलिंग मतलब होता है जो पानी बहता है उसकी साउंड आती है। तो उनको ऐसी साउंड आई जैसे कोई एनिमल अपनी प्यास बुझा रहा हो, वो पानी पीने आया हो नदी के किनारे। दशरथ सेड टू हिमसेल्फ इट इज अ बिग एनिमल एंड क्वाइट स्विफ्टली ही पुल्ड
out an arrow from his quiver, put it on the bowstring and aimed at the place where the sound came from. दशरथ ने गुस्से क्या बोला कि जरूर पक्का बहुत बड़ा जानवर है और उन्होंने बहुत फास्ट और बहुत आराम से मतलब शांति से अपना क्या निकाला, एरो निकाला और क्वेवर से, क्वेवर मतलब होता है जिसमें एरो रखते हैं उसको क्वेवर बोलते हैं। और फिर क्या किया उन्होंने, जो अपना धनुष था उसकी स्ट्रिंग खींची और एम कहाँ पर किया, जहाँ से साउंड आ रहा था। तो वो सुना है ना आपने शब्द भेदी बाण, मतलब जो शब्द को सुन के वहां पे अटैक कर सकते थे तो उसको शब्द भेदी बाण बोलते हैं। तो क्या हुआ, एरो कहाँ गया, जहाँ से आवाज आ रही थी। द एरो रश डाउन टुवर्ड द साउंड एंड आफ्टर मूवमेंट अ पेनफुल क्राई वॉज हर्ड। He was stunned. It was not the cry of an animal, but that of a dying human being. तो जब एरो गया जहाँ से साउंड आ रही थी तो वहां से क्या हुआ, थोड़े से टाइम बाद एक पेनफुल क्राई मतलब दर्द से कराहने की आवाज आई। लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए, क्यों, क्योंकि वो जो आवाज थी रोने की वो किसकी थी, एक ह्यूमन बींग की थी, इंसान की थी, किसी जानवर की नहीं थी। He rushed towards the spot from where the sound of groaning was coming. To his great sorrow, a young man was dying and crying due to injury. Dasrath saw that his arrow has pierced the boy's chest. तो वो भागते हुए कहाँ गए, उस जगह पे जहाँ से आवाज आ रही थी रोने की। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो यंग लड़का है वो दर्द से चिल्ला रहा है, रो रहा है और मरने वाला है। दशरथ saw that his arrow has pierced the boy's chest. और उन्होंने क्या देखा कि उनका एरो कहाँ लगा है, उस बॉय के चेस्ट में के लगा है। The young man had a pot in his hand, but he was in a pool of blood. It was Dasrath's blunder that he had mistaken the sound of water filling the pot with that of animal drinking water. तो उन्होंने क्या देखा, जो यंग मैन था उसके हाथ में क्या था, एक पॉट था पानी से भरा हुआ और वो कहाँ था, वो एक ब्लड के पूल में, मतलब उसको एरो लगा था तो बहुत सारा ब्लड निकला था तो वो वहीं पर लेटा हुआ था ब्लड के पूल में और उसके हाथ में एक पॉट था वाटर से भरा हुआ। ब्लंडर मतलब होता है केयरलेसनेस। तो दशरथ को कैसा लगा कि उन्होंने केयरलेसनेस में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और उन्होंने जो वाटर फिल कर रहा था पॉट में उसकी आवाज को क्या समझ लिया कि कोई एनिमल अपनी प्यास बुझाने आया है। दशरथ saw him and said, "Oh, I am sorry, young man." The boy saw Dasrath, "Oh, prince, why did you hurt me? What wrong did I do?" अब क्या हुआ? उसने बोला कि I am sorry, young man. तो वो जो बॉय था श्रवण कुमार वो बोलता है कि oh, prince, तुमने मुझे क्यों हर्ट किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। दशरथ was repenting. Repenting मतलब होता है उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। He sighed, "Oh God, what have I done?" He was shocked. He went near Shravan and drew out the arrow and asked, "Who are you?" अब क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। तो वो दशरथ के वो श्रवण कुमार के पास गया, उसका एरो निकाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो। द बॉय रिप्लाइड, आई एम श्रवण, माई ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स आर थर्स्टी, प्लीज गो एंड गिव देम वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। दे आर इन कावर इन द नियर बाई फॉरेस्ट, नोबडी एल्स इज देयर टू लुक आफ्टर देम एंड ही पास्ड अवे। अब उसने क्या बोला, मैं श्रवण कुमार हूँ और मेरे जो बूढ़े और अंधे पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, वो थोड़ी सी दूर फॉरेस्ट में कावर में हैं और उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है और उन्हें प्यास लग रही थी तो जाके तुम ये पानी उनको दे दो जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। और वो ही पास्ड अवे मतलब वो वहीं पर मर गया। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर सन, दे हर्ड द साउंड ऑफ फुटस्टेप। द फादर सेड एंग्जियसली, वेयर वर यू माई सन, वॉट टुक यू सो लॉन्ग, विद ग्राइफ एंड अ हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सॉबिंग। दशरथ ट्राइड टू स्पीक बट कुड नॉट। क्या हुआ, जब दशरथ जी गए उनके पेरेंट्स के पास तो उनके पेरेंट्स बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो जब उनने फुटस्टेप्स मतलब किसी के आने की आवाज सुनी, किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनी, तो उन्होंने बहुत एंग्जियसली मतलब थोड़ा एकदम घबरा के पूछा कि इतना टाइम मतलब तुम कहाँ थे और इतना टाइम तुम्हें क्यों लग गया।
और जो दशरथ थे वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे और ऑलमोस्ट सोबिंग मतलब हल्का हल्का रो रहे थे। तो उन्होंने ट्राई किया कि वो कुछ बोलें पर नहीं बोल पा रहे थे। Why don't you speak? With great difficulty, Dasrath could speak. I am Dasrath from Ayodhya. I have committed a terrible sin by mistake. I sought your son. I beg your pardon. It took their breath away and then they burst into tears. अब तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं। तो दशरथ ने बहुत हार्डली ट्राई किया और वो बोले कि आई एम दशरथ और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने आपके बेटे को एरो से मार दिया, मतलब बाण चलाया तो उसको लगा और वो मर गया और मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सब सुन के वो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और बस्ट इनटू टीयर्स और बहुत ज़्यादा रोने लगे। द ओल्ड कपल वेंट ऑन क्राइंग फॉर लॉन्ग। दे सेड टू दशरथ, कैरी अस टू हिज बॉडी। दशरथ लेट देम टू द प्लेस वेयर श्रवण्स बॉडी ले। द ब्लाइंड पेरेंट्स साइड विद ग्राइफ एंड कर्स द प्रिंस। अब क्या हुआ, जो ओल्ड कपल बहुत देर तक वो लोग रोते रहे उसके पेरेंट्स श्रवण कुमार के, फिर वो बोले दशरथ से कि हमें उसकी बॉडी के पास ले चलो। तो दशरथ उन्हें श्रवण कुमार की बॉडी जहाँ थी वहाँ पर ले गए। तो ब्लाइंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान थे, दुखी थे बहुत ज़्यादा और उन्होंने क्या किया, प्रिंस को कर्ज किया मतलब उसको श्राप दिया कि एज वी वर सेपरेटेड फ्रॉम अवर डियर सन, You two will die in agony and cry longing for your dear son. मतलब जैसे तुमने मुझे मेरे प्यारे बेटे से अलग किया है, वैसे ही तुम भी देखना तुम अपने सबसे जो तुम्हें प्यारा बेटा होगा अपना उससे तुम्हें दूर रहना पड़ेगा और तुम उसी मतलब उसी दुख में मर जाओगे। फिर several years later, Dasrath became the king of Ayodhya. He had to send her his eldest and dearest son Ram to exile for 14 years. He died broken hearted sighing for his son Ram. अब क्या हुआ, बहुत साल बाद जो दशरथ थे वो राजा बन गए अयोध्या के और उनके चार लड़के थे, कौन कौन से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राम जी सबसे बड़े थे और उनको राम को कहाँ भेजना पड़ा था, एग्जाइल मतलब वनवास भेजना पड़ा था, कितने साल के लिए, 14 साल के लिए। और उसी बीच में वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, अपने बेटे के मतलब वो दूर चला गया था तो उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसी कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें कर्ज किया था, तो वो कर्ज उनका बाद में निकला था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।